पब्लिक टीवी आपकी आवाज। शहर के युवाओं को नशे के दलदल में धकेलने वाली शातिर स्मैक और चरस तस्कर हसीना एक बार फिर पुलिस के हत्थे चढ़ गई। पुलिस ने उसको मीना नगर स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया। इस दौरान हंगामे की स्थिति रही। हिस्ट्रीशीटर तस्कर हसीना का नशे के अवैध कारोबार में इतना अधिक दखल है कि लोग उसे लेडी डॉन के नाम से भी बुलाते हैं, जिस पर मुरादाबाद के कई थाना क्षेत्रों में 21 मुकदमे दर्ज हैं। मुरादाबाद पुलिस ने बताया कि मीना नगर में दबिश देकर हसीना को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से आधा किलो चरस बरामद किया गया। बकौल पुलिस, आरोपी हसीना 2004 से नशे का अवैध कारोबार कर रही है। 2011 तक उसके खिलाफ करीब 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हो गए थे। मझोला थाने की हिस्ट्री शीटर में उसका नाम टॉप 10 में शामिल हो गया था। इस दौरान वो कई बार जेल भी गई। बाद में उसने चोरी छुपे अवैध कारोबार करना शुरू कर दिया। बीते कुछ समय से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ये कार्रवाई की गई है। एसपी सिटी ने बताया कि हसीना के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया। लोग बदमाशों से अपने सामान की सुरक्षा और अराजक तत्वों पर नजर रखने के लिए घरों में सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं, लेकिन लेडी डॉन हसीना ने इसका अनोखा ही इस्तेमाल कर रखा है। उसके घर के बाहरी हिस्से में मात्र इसलिए सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं ताकि पुलिस की दबिश या छापेमारी की उसे पहले से जानकारी मिल सके। सूत्रों की माने तो इस अवैध कारोबार के एवज में कई लोगों को रुपए भी देती है ताकि उसका धंधा चलता रहे। इसके लिए उसने बाकायदा डायरी बना रखी है जिसमें पुलिस कर्मियों, मीडिया कर्मियों और कुछ नेताओं के नाम भी शामिल हैं। पिछले कुछ दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि मझोला के एक हिस्ट्री शीटर जो कि पूर्व में भी जुए के और एनडीपीएस संबंधी मुकदमों में जो है जेल जा चुकी, वो पुनः एक्टिव हो गई है। इसी संबंध इंस्पेक्टर मझोला द्वारा टीम बनाकर उस पर जब घेराबंदी की गई तो आज वो आधा किलो चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया। कहाँ से देखिए, जो अभी तक सूचना ये हो ये थी कि वो अपने घर से एजेंसी को से जो सप्लाई करती और बाकी पूछताछ उससे की जा रही है कहाँ कहाँ उसके जो सप्लाई कहाँ वो एच एस जो है उस वन गिरफ्तार करती।